हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज का जो अपना अर्थमेटिक सेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक जो रैबिट है वो कैट से 55 जंप आगे है, अपने आप के 55 स्टेप आगे है। क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन आगे दे रखी है कि रैबिट के द्वारा 5 जंप में चली गई दूरी कैट के द्वारा 3 जंप में चली गई दूरी के बराबर है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि जितने समय में रैबिट 3 जंप लगाता है उतने समय में कैट जो है 4 जंप लगाती है। क्योंकि इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए कुछ एजम्पशन मानना होगा। देखिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि रैबिट जो है 5 जंप में जितनी डिस्टेंस चलता है कैट 3 जंप में उतनी डिस्टेंस चलती है, मतलब डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है, मैंने मान लिया कि दोनों की डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, एलसीएम ले लिया, 15 यूनिट ले लिया, या क्वेश्चन को और सिंपल बनाने के लिए मैंने मान लेता हूँ कि 15 मीटर चलते हैं। ये जो रैबिट है 5 जंप में 15 मीटर चलता है और कैट जो है 3 जंप में 15 मीटर चलती है। ये मीटर कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में मीटर हमने अपने तरफ से लिया कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये मैंने मान लिया कि रैबिट जो है 5 जंप में 15 मीटर चलता है और कैट जो है 3 जंप में 15 मीटर चलती है। तो रैबिट एक जंप में कितना चलता होगा, 3 मीटर चलता होगा, और कैट एक जंप में कितना चलती होगी, 5 मीटर। तो ये जो रैबिट आगे है कैट से 55 जंप आगे है, तो कितना डिस्टेंस आगे होगा, 55 गुड़े में कितना, अपने एक स्टेप में कितने मीटर चल रहा है, 3 गुड़े 3 मीटर आगे होगा। मीन्स ये कितना आगे होगा, 5 से 15 165 मीटर आगे होगा। 165 मीटर आगे जो रैबिट खड़ा होगा कैट के। अब क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है कि इन द सेम टाइम रैबिट, जितने समय में रैबिट जो है 3 जंप लगाता है उतने समय में ही कैट जो है 4 जंप लगाती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन में मैं मान लेता हूँ कि एक सेकेंड के अंतराल में रैबिट जो है 3 जंप लगाता है उतने समय में कैट कितने जंप लगा लेती है, 4 जंप लगा लेती है। रैबिट के द्वारा एक जंप में चली गई दूरी कितनी है, 3 मीटर। तो 3 जंप में कितनी ये दूरी चल जाएगा रैबिट, 9 मीटर के बराबर डिस्टेंस चल जाएगा। कितने मीटर, 9 मीटर के बराबर चल जाएगा। और ये कैट कितने मीटर डिस्टेंस चल जाएगी, 5 × 4 × 5 कितना मीटर, 20 मीटर। मीन्स एक सेकेंड में जो कैट है रैबिट से कितने मीटर आगे चली जाएगी, 11 मीटर आगे। अभी जो कैट है रैबिट से कितने मीटर पीछे खड़ी हुई है, 165 मीटर पीछे खड़ी हुई है। तो 165 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में समय कितना लग जाएगा, टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 165, और ये एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस जाती है कैट, 11 मीटर ज़्यादा जाती है। तो 165 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 11 × 11 = 55 मीन्स 15 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। 15 सेकेंड में जो कैट है रैबिट को चेस कर लेगी, जबकि हम यहाँ पे मान रखे थे कि कैट एक सेकेंड में कितना जंप लगाती है, 4 जंप लगाती है। तो 15 सेकेंड में नंबर ऑफ जंप कितना हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ जंप बराबर में हो जाएगा 15 × 4 बराबर में कितना हो जाएगा, 60 जंप के बराबर आ जाएगा, 60 जंप के बराबर। चलिए दोस्तों, आज का जो अपना एडवांस सेक्शन का क्वेश्चन था वो बेसिक क्वेश्चन लिया गया है, ज्योमेट्री सेक्शन का है, लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल CDE बना हुआ है। तो पूछ रहा है कि एंगल CEB की वैल्यू कितनी होगी, एंगल CEB की वैल्यू कितनी होगी। मीन्स देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये स्क्वायर दे रखा है, ABCD स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे स्क्वायर की सबसे खास बात क्या होती है कि जो साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और कॉर्नर कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। सारे कॉर्नर कितने डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब CD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है कि इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब CD जितना होगा उतना ही इस DE होगा और उतना ही क्या होगा, EC होगा। और उसके कॉर्नर कितने डिग्री पे होते हैं, 60 डिग्री पे होते हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि एंगल CEB की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आइए देखते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। एक इस डायग्राम को हम अलग से बनाते हैं, किस डायग्राम को, CEB को। तो ये क्या पॉइंट है, C है, ये पॉइंट क्या है, E है, और ये पॉइंट क्या है आपका, B पॉइंट है। ये एंगल की अगर बात करें तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का है,
60 डिग्री का है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, मींस ये जो त्रिभुज बन रहा होगा क्या बनना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनना होगा, आइसोसेलिस ट्रायंगल बनना होगा। और आइसोसेलिस ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी से त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मीन्स ये एंगल थीटा है प्लस ये एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा 150 के बराबर हो गया, 150 डिग्री प्लस में ये कितना हो गया, थीटा, और ये तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, 150 डिग्री 150 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको माइनस किया इधर ला करके, ये कितना हो गया, 2 थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। 180 में से 150 माइनस करेंगे, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। या थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल होगा किसके बराबर हो जाएगा, 15 डिग्री, या ये एंगल कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा।